हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हमने पीजीबीपी हेड शुरू किया था और उसमें सेक्शन 30, सेक्शन 31 हमने पढ़ा था और सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन हमने शुरू ही किया था। बेटा, मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि अकाउंट्स में जो आप डेप निकालते हो और टैक्स में जो आप डेप निकालते हो, दोनों में डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पर है। बेटा, टोटल 5 डिफरेंसेस हमने पढ़े थे। चलो, अब हम सेक्शन 32 शुरू कर रहे हैं। बेटा ध्यान से, सबसे पहला कंसेप्ट हमें पढ़ना है ब्लॉक ऑफ असेट्स। बेटा थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था कि ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है। बेटा, या मैं चलो थोड़ा सा ऐसे बोलूं कि अकाउंट्स में जो डेप लगता है वो इंडिविजुअल असेट्स पे लगता है, जबकि टैक्स में जो डेप लगता है वो ब्लॉक पे लगता है, पूरे ब्लॉक पे लगता है। ठीक है, अब क्या मतलब है बेटा ब्लॉक ऑफ असेट्स का? सेक्शन 2 क्लॉज 11 ने बेटा डिफाइन किया है, ध्यान से समझना है। ब्लॉक ऑफ असेट्स मींस ग्रुप ऑफ असेट। तो बेटा ब्लॉक का मतलब क्या है? ग्रुप। ब्लॉक का मतलब, एक ब्लॉक का मतलब क्या है? असेट्स का एक ग्रुप, आप कह सकते हो असेट्स का एक कलेक्शन, आप कह सकते हो असेट्स का एक कलेक्शन, एक कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स। इंपॉर्टेंट बात, विच फॉल अंडर द सेम कैटेगरी। और बेटा याद करो, पिछली क्लास में मैंने बताया था टोटल 5 कैटेगरी ऑफ असेट्स हैं बेटा, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स, इनटैंजेबल, विच फॉल अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन विच सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। बेटा समझते हैं, आओ मेरे साथ, हेडिंग लिखो जरा, फिर एक एग्जांपल आपको कराऊंगा। ब्लॉक ऑफ असेट्स सेक्शन 2 क्लॉज 11, सेक्शन 2 क्लॉज 11। बेटा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ब्लॉक ऑफ असेट्स का क्या मतलब है? ब्लॉक ऑफ असेट्स का मतलब है ग्रुप ऑफ असेट्स, मतलब असेट्स का एक ग्रुप, असेट्स का एक कलेक्शन, असेट्स का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, बस बेटा एक बात का याद रखना है आपको, ध्यान से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक ब्लॉक में, ध्यान से सुनना, एक ब्लॉक में जिस असेट को डालोगे ना, एक ही ब्लॉक में जिस जिस असेट को बेटा डालोगे, हर असेट की कैटेगरी और हर असेट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होना चाहिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक ग्रुप में, एक ब्लॉक में जिस असेट को डालोगे, जिस भी असेट को डालोगे बेटा, जिस जिस असेट को डालोगे, हर असेट की कैटेगरी एक ही होनी चाहिए, कैटेगरी एक ही होनी चाहिए और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी एक ही होना चाहिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा बेटा, ध्यान से सुनना है, एक ब्लॉक में, एक ब्लॉक में आप जिस जिस असेट को डालोगे बेटा, एक ब्लॉक में आप जिस जिस असेट को डालोगे, हर असेट की बेटा कैटेगरी, कैटेगरी क्या होनी चाहिए? सेम। और उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्या होना चाहिए? सेम। तो बेटा एक बात याद रखना, सुनो, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है बेटा, इस एक ब्लॉक में जितने भी असेट्स को डालोगे, असेट 1, असेट 2,
असेट थ्री, असेट फोर, जितने भी असेट्स को डालोगे एक ब्लॉक में, ये एक ब्लॉक है हर असेट की बेटा। कैटेगरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और हर असेट पे रेट ऑफ डेप भी क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। तो एक ब्लॉक में जिस असेट को भी डालोगे, जिस असेट को डालोगे, हर असेट का कैटेगरी भी सेम और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम। ठीक है, यहां तक समझ आया? ध्यान से चलो, आओ मेरे साथ थोड़ा सा डिस्कशन बेटा पहले कैटेगरी पे करते हैं। पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कैटेगरी पे। बेटा मैंने आपको बताया भी था कि इनकम टैक्स ने, या मैं बोलूं गवर्नमेंट ने, असेट्स को बेटा टोटल पांच कैटेगरीज में बांटा है। कितनी कैटेगरीज में बेटा? पांच कैटेगरीज में बांटा है। कौन कौन सी पांच कैटेगरी थी? बिल्डिंग, और क्या था? फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स और इनटैंजेबल असेट्स। तो गवर्नमेंट ने असेट्स को टोटल पांच कैटेगरीज में बांटा है, दैट्स इट। ठीक है, कौन कौन सी पांच कैटेगरी है? बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स और इंटेंजिबल। ठीक है बेटा, सुनो, फर्नीचर और फिक्स्चर पे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फ्लैट रेट ऑफ डेप 10% है बेटा। फर्नीचर पे रेट ऑफ डेप कितना है? 10%। बेटे शिप्स पे भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 20% का रेट ऑफ डेप है शिप्स पे। और इनटैंजिबल पे भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 25% का रेट ऑफ डेप है। ठीक है, तो हमने कैटेगरी डिस्कस करी और हम डिस्कस कर रहे हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कैटेगरी एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मैं इसी के आगे लिख देता हूं, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा अब बताओ कौन सी बेटा दो कैटेगरी रह गई? बिल्डिंग रह गई। तो बेटा बिल्डिंग ना, सुनो, बिल्डिंग तीन हो सकती हैं, बिल्डिंग तीन हो सकती हैं जो यूज होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तीन तरह की बेटा बिल्डिंग होती हैं, तीन तरह की बिल्डिंग जो बिजनेस के लिए यूज होती हैं। एक तो होती है बेटा रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एक तो होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। सर रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब जहां पर हम रहते हैं, मेरा घर, दैट इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा? नहीं, मैं उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहा हूं जो बिजनेस से जुड़ी हुई है, जैसे स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं बेटा। इमेजिन करो, मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए बेटा क्वार्टर्स बनाए हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आ गए, आप लोग पूरा लिख लेना, स्टाफ क्वार्टर्स बेटा, इन पे रेट ऑफ डेप है 5% स्टाफ क्वार्टर्स पे 5%। अच्छा, फिर वो बिल्डिंग होती है जो बिजनेस के लिए यूज हो रही है, मतलब जहां पर बिजनेस कर रहा हूं मैं, जैसे फैक्ट्री या ऑफिस, जहां पर बिजनेस कर रहा हूं, जैसे फैक्ट्री हो गई, ऑफिस हो गया, है ना, वेयर हाउस हो गया, इस पे 10% है बेटा। तो रहने वाली जगह पे 5% और जहां पर मैं बिजनेस कर रहा हूं 10%। और तीसरे आते हैं बेटा
टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बेटा इन पे है 40%। सर ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स क्या हुए? बेटा टेम्पररी स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो परमानेंट बेसिस पे नहीं बनाए जाते हैं, टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग बनाए जाते हैं, उनके बाद उसको तोड़ दिया जाता है। जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं इसका, टिन शेड्स, जैसे हम लोग अपने घरों में भी बेटा कई बार करते हैं ना, टिन का एक शेड बना देते हैं जिसके नीचे गाड़ी पार्क हो जाती है, या छत के ऊपर टिन शेड बना देते हैं बेटा, ठीक है। तो टिन शेड्स एक तरह से टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, परमानेंट नहीं होता है, जब मर्जी चाहे आप इसको तोड़ सकते हो। इस पे कितना है? 40%। तो बिल्डिंग हमारी तीन तरह की है, रेजिडेंशियल 5% है, बिजनेस के लिए जो यूज हो रही है 10% है, और टेम्पररी स्ट्रक्चर्स 40% है। कॉपी कर लो बेटा यहां तक। ठीक है, अच्छा अब कौन सा रह गया बेटा? प्लांट एंड मशीनरी। बेटा पता है क्या, प्लांट एंड मशीनरी में ना दो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको गिवन है। वैसे मैं आपको बताऊं काफी सारे हैं बेटा, लेकिन उतने आप याद नहीं कर पाओगे, तो मैं जो मेन मेन है वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी बेटा मोर और लेस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ही होते हैं, तो मैं बस जो याद रख पाओगे आप उतने बता रहा हूं। तो प्लांट एंड मशीनरी में दो रेट ऑफ डेप हैं जो चलते हैं मेनली, 40% का चलता है और 15% चलता है, ठीक है। अच्छा सर 40% किस किस पे है? बेटा 40% है कंप्यूटर्स पे, ठीक है, 40% है बेटा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे, 40% है एरोप्लेन्स पे, ठीक है, और 40% है बेटा आपका बुक्स पे। बेटा बुक्स को भी ना प्लांट और मशीनरी की कैटेगरी में डाला गया है, ऑल दो प्लांट और मशीनरी से कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन कैटेगरी बेटा यही है, ना तो बिल्डिंग है, ना फर्नीचर है, ना शिप्स है, ना इंटेंजिबल है, तो उन्होंने प्लांट और मशीनरी की कैटेगरी में डाल दिया है। तो 40% का रेट ऑफ डेप चार पे है, कंप्यूटर्स पे, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे, एरोप्लेन्स पे और बुक्स पे, और बाकी सब पे बेटा 15% है, मतलब ज्यादातर पे 15% है। तो ये बेटा आपकी पांच कैटेगरी हो गई और उनके रेट ऑफ डेप हो गए। कॉपी करो, तो आपकी कितनी कैटेगरीज हो गई? पांच कैटेगरीज हो गई और उनके रेट ऑफ डेप हो गए। अब बेटा मैं फिर से ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट पे आ जाता हूं। बेटा एक बात याद रखना, एक ब्लॉक में आप बेटे जिस जिस असेट को डालोगे ना, उस असेट की कैटेगरी एक ही होनी चाहिए। मतलब एक ब्लॉक में अगर आपने बिल्डिंग को डाला तो बेटा उसमें फिर फर्नीचर नहीं डाल सकते, प्लांट एंड मशीनरी नहीं डाल सकते, उसमें बिल्डिंग ही आएंगी। और एक बात याद रखना बेटा, बिल्डिंग भी वही आएंगी उस ब्लॉक में जिसका रेट ऑफ डेप सेम हो। अगर किसी बिल्डिंग का रेट ऑफ डेप अलग है ना, तो वो अलग ब्लॉक में जाएगी, ना कि इस ब्लॉक में आएगी। मैं आपको पूरा एग्जांपल से समझाता हूं अभी। कॉपी कर लिया, आओ मेरे साथ एक एग्जांपल लिखो प्रॉपर, कैसे बनाते हैं ब्लॉक। देखो बेटा मेरे पास ना कुछ असेट्स हैं, ठीक है, और उनका
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, ठीक है? कौन कौन से असेट से? बेटा मेरे पास एक बिल्डिंग वन है जिसपे रेट ऑफ डेप 10% है, तो समझ जाना 10% वाली बिल्डिंग है, मतलब बिजनेस में यूज हो रही है ये बिल्डिंग। अच्छा, फिर मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग टू, ये भी बेटा 10% वाली है, इसका मतलब इस ये भी बिजनेस के लिए यूज हो रही है। फिर मेरे पास एक बिल्डिंग और है जिसपे रेट ऑफ डेप है 5%, ठीक है? और बेटा मेरे पास एक बिल्डिंग और है जिसपे मेरे रेट ऑफ डेप है 40%। तो चार बिल्डिंग्स हैं मेरे पास, दो 10% वाली, एक 5% वाली और एक 40% वाली, ठीक है? चलो फिफ्थ। फिर बेटा मेरे पास एक फर्नीचर एंड फिक्सचर है वन, जिसपे रेट ऑफ डेप 10% है। फिर मेरे पास एक फर्नीचर और फिक्सचर टू है, उस पे भी रेट ऑफ डेप 10% है, ठीक है? फिर मेरे पास एक प्लांट और मशीनरी वन है जिसपे रेट ऑफ डेप 40% है। फिर मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी टू है जिसपे रेट ऑफ डेप 40% है। फिर मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी थ्री है जिसपे रेट ऑफ डेप 15% है। फिर मेरे पास एक प्लांट और मशीनरी फोर है जिसपे रेट ऑफ डेप 15% है, ठीक है? फिर मेरे पास इनटेंजिबल असेट वन है जिसपे रेट ऑफ डेप 25% है। इनटेंजिबल असेट टू है, उस पे भी रेट ऑफ डेप 25% है। और लास्ट मेरे पास इनटेंजिबल असेट थ्री है, उस पे भी रेट ऑफ डेप 25% है। तो ये है पूरे असेट्स की लिस्ट जो मेरे पास है, ठीक है बेटा? लो कॉपी कर लो पहले, फिर मैं आपको तरीका बताता हूं। ध्यान से देखना तरीका, यहीं पर लिखेंगे, ध्यान से देखो बेटा, देखो सुना ध्यान से बेटा, मुझे एक बार बताओ। ये देखो, आपके पास चार बिल्डिंग है, बिल्डिंग वन है, बिल्डिंग टू है, बिल्डिंग थ्री है, बिल्डिंग फोर है। तो पहले बताओ ये चारों बिल्डिंग एक ही कैटेगरी को बिलोंग करती है, बिल्डिंग वाली कैटेगरी को। तो क्या ये चारों बिल्डिंग एक ही ब्लॉक में आ जाएंगी बेटा? क्या नहीं? क्यों? क्योंकि बेटा कैटेगरी सेम होनी चाहिए और रेट ऑफ डेप भी सेम होना चाहिए। अब बताओ, बिल्डिंग वन और टू का डेप सेम है बट बिल्डिंग थ्री और फोर का डेप अलग है, पक्का? तो मुझे एक बार बताओ, पहले मुझे इसका बताओ, बिल्डिंग वन और टू का मुझे बताओ, इन दोनों बिल्डिंग्स की बेटा कैटेगरी भी सेम, दोनों बिल्डिंग वाली कैटेगरी की हैं, और रेट ऑफ डेप भी सेम 10%। तो ये दोनों बिल्डिंग्स आएंगी हमारी ब्लॉक वन में। तो ब्लॉक वन हो गया किसका? ब्लॉक वन हो गया बिल्डिंग का। कौन सी बिल्डिंग का? 10% वाली बिल्डिंग का ब्लॉक वन हो गया। ये ब्लॉक वन हो गया बेटा हमारा, क्योंकि दोनों बिल्डिंग एक ही कैटेगरी की हैं और एक ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की है, ठीक है? अब देखो, अब बताओ ये बिल्डिंग थ्री और फोर बेटा, ये दोनों एक ही कैटेगरी की हैं बिल्डिंग, बट दोनों पे रेट ऑफ डेप अलग अलग है।
तो एक ही ब्लॉक में तो आ नहीं सकती। तो ये बताओ, ये जो बिल्डिंग 3 है ये बेटा चली जाएगी ब्लॉक 2 में, तो ब्लॉक 2 हो गया बिल्डिंग का, कौन सी वाली बिल्डिंग का, 5% वाली बिल्डिंग का ब्लॉक 2 हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटे? और बिल्डिंग 4 है 40% वाली। अब ये देखो जरा बेटा, ऐसे तो प्लांट और मशीनरी 1 भी 40% वाली है, प्लांट और मशीनरी 2 भी 40% वाली है, तो क्या ये बिल्डिंग और ये दोनों प्लांट और मशीनरी एक ही ब्लॉक में आ जाएंगी क्योंकि रेट ऑफ डेप्थ तो सेम है? नहीं बेटा, एक ब्लॉक में नहीं आएगी, कैटेगरी डिफरेंट है ना। तो बिल्डिंग 4 चली जाएगी ब्लॉक 3 में, ये चली गई ब्लॉक 3 में, तो ब्लॉक 3 हो गया बिल्डिंग का, कौन सी वाली बिल्डिंग का, 40% वाली बिल्डिंग का, ये ब्लॉक 3 हो गया बेटा। तो कितने ब्लॉक्स बन गए अभी तक? 3 ब्लॉक्स। अब सुनो, अब आता है फर्नीचर 1 फर्नीचर 2, 10 10%। तो मेरे को बताओ, ये फर्नीचर 1 और 2 एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं फर्नीचर, और दोनों पे रेट ऑफ डेप भी क्या है, सेम, तो एक ही ब्लॉक में आ जाएंगे दोनों। तो इसका बन गया ब्लॉक 4। तो ब्लॉक 4 किसका बना? फर्नीचर एंड फिक्सचर का। कौन से फर्नीचर एंड फिक्सचर का? 10% वाले फर्नीचर और फिक्सचर का। ठीक है बेटा, ये ब्लॉक 4 हो गया। अच्छा, आप देखना, अब देखो मेरे पास 4 प्लांट और मशीनरी हैं, क्या ये चारों प्लांट और मशीनरी एक ही ब्लॉक में आएंगी? नहीं बेटा, प्लांट एंड मशीनरी 1 और 2 एक ब्लॉक में आएंगी क्योंकि कैटेगरी सेम है और रेट ऑफ डेप भी सेम है, और प्लांट एंड मशीनरी 3 और 4 ये अलग ब्लॉक में आएंगी क्योंकि कैटेगरी भी डिफरेंट है और रेट भी डिफरेंट है। तो मुझे बताओ, प्लांट एंड मशीनरी 1 और 2 ये आएगी अलग ब्लॉक में, ये बनेगा ब्लॉक 5। तो ब्लॉक 5 किसका बन गया? प्लांट एंड मशीनरी का, कौन सी वाली, 40% वाली। और बेटा प्लांट एंड मशीनरी 3 और 4 ये अलग ब्लॉक में आ जाएगी, कैटेगरी भी सेम है और रेट भी सेम है, तो इसका बन गया ब्लॉक 6। तो ब्लॉक 6 किसका हो गया? प्लांट एंड मशीनरी का, कौन सी वाली, 15% वाली। लो बेटा, समझ आ रहा है बेटा? और रही बात बेटा लास्ट आपकी इनटैंजिबल, तो देखो इनटैंजिबल असेट्स तीनों कैटेगरी सेम है और रेट भी सेम है, तो तीनों बेटा एक ही ब्लॉक में आ जाएंगे तीनों, एक ही ब्लॉक में आ जाएंगे ब्लॉक 7 में। तो ब्लॉक 7 हो गया इनटेंजिबल असेट्स का, कौन से वाले, 25% वाले, ये ब्लॉक 7 हो गया। लो बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे कितने बने बेटा? 7 ब्लॉक्स बने। मेरे ख्याल से बेटा ब्लॉक बनाने का तरीका आया, तो बस इतना याद रखना, एक ब्लॉक में जिन जिन असेट्स को लोगे उन असेट्स पे, उन असेट्स की कैटेगरी भी सेम होनी चाहिए और उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए। कर लो बेटा कॉपी। चलें आगे चलें, देखो तो बेटा ब्लॉक ऑफ असेट्स का पूरा कंसेप्ट बेटा क्लियर हुआ है। ठीक है, एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको और बता दूं बेटा, चलो मेरी बात सुनना बेटा, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फॉर्मेट बेटा क्या है, ध्यान से सुनना है, मेरे साथ लिखो जरा, फॉर्मेट, हेडिंग लिखना, फॉर्मेट
फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, सबसे पहले बेटा इस फॉर्मेट में आएगा ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स। ये सब बेटा मैं करके बताऊंगा आपको, फिलहाल कॉपी करो। ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर माइनस मनी रिसीव्ड ऑन सेल। माइनस मनी रिसीव्ड ऑन सेल, ये आ जाएगी आपकी WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस। ये आ गई आपकी WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस। फिर आप इसमें से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, फिर आप इसमें से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन और ये आएगी आपकी क्लोजिंग WDV। ये आपकी आएगी क्लोजिंग WDV। ठीक है बेटा, कॉपी करो पहले से, फिर आपको मैं थोड़ा सा केस आज समझाऊंगा। बेटा याद करो, मैं ना इसमें जो पहले की बातें वो बाद में करेंगे डिस्कस, पहले मैं डेप्रिसिएशन जरा आपसे डिस्कस कर लूं। बेटा याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंस बताए थे कि अकाउंट्स में जो डेप निकलता है और टैक्स में जो डेप निकलता है उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। फिफ्थ डिफरेंस याद करो बेटा, मैंने कहा था कि अकाउंट्स में डेप मंथ वाइज निकलता है। अगर 1 अप्रैल को खरीदा है तो 12 महीने का डेप लगेगा, 1 मई को खरीदा है तो 11 महीनों का, 1 जून को खरीदा है तो 10 महीनों का, 1 जुलाई को खरीदा है तो 9 महीनों का, एंड सो ऑन। जबकि टैक्स में डेप्रिसिएशन बेटा या तो लगता है फुल ईयर का, ठीक है, या डेप्रिसिएशन लगता है हाफ ईयर का। इसे हम बोलते हैं फुल ईयर का बोलो 100%, मतलब पूरा डेप लगेगा, और हाफ ईयर को बोलो 50%, मतलब आधा डेप लगेगा। तो टैक्स में डेप या तो पूरे साल का लगता है या 6 महीनों का लगता है, मतलब या तो पूरा लगेगा या आधा लगेगा, बीच का कोई हिसाब किताब नहीं है बेटा। 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, कोई हिसाब नहीं है, या तो पूरा या तो आधा। ठीक है, अब हमें यह समझना है कब पूरा लगेगा और कब आधा लगेगा बेटा। ठीक है, उसके लिए बेटे कुछ कंडीशंस हैं। ये देखो डेप्रिसिएशन कब 50% लगेगा, मतलब 50% मतलब मेरे को बताओ 50% का मतलब क्या हुआ, 6 महीनों का, हाफ ईयर का। और कब 100% लगेगा, 100% मतलब पूरे साल का। तो बेटा उन्होंने कहा है, सुनो, उन्होंने कहा है 6 महीने का कब लगेगा
उसके लिए तीन शर्तें हैं। अगर तीनों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं, तीनों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं, तो लगेगा 6 महीनों का। तीनों में से एक भी अनसेटिस्फाइड तो लगेगा पूरे साल का। कितनी शर्तें हैं? तीन। तीनों सेटिस्फाइड 6 महीने का, एक भी अनसेटिस्फाइड पूरे साल का। ठीक है, क्या हैं बेटा वो तीनों शर्तें? ठीक है, देखना। पहला है असेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पहले एक बात बताओ बेटा, हमारे लिए हम कौन से प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं बेटा? आपके एग्जाम्स के लिए 2021 रेलेवेंट है, प्रीवियस ईयर 2021 रेलेवेंट है। तो उन्होंने कहा पहली शर्त क्या है, असेट खरीदा कब है? इस साल मतलब 2021 में। असेट खरीदा कब है? इस साल। दूसरी शर्त, इट इज पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बेटा पुट टू यूज का क्या मतलब हुआ? पुट टू यूज का मतलब होता है इंस्टॉलेशन। पुट टू यूज का मतलब होता है इंस्टॉलेशन, या आप कह सकते हो सेटअप। तो बेटा वो असेट खरीदा कब है? इस साल। वो असेट इंस्टॉल कब हुआ है? इस साल, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं? 2021 की। तो पहले बताओ असेट खरीदा कब है? 2021 में। असेट इंस्टॉल कब हुआ है? 2021 में। और तीसरी शर्त है बेटा, इट हैज बीन यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त बेटा उन्होंने कहा है असेट खरीदा कब है? इस साल। असेट इंस्टॉल कब हुआ है? इस साल। और वो असेट इस साल 180 दिनों से कम के लिए यूज हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा यहीं पर देके बता दूं बेटा, ये देखना बेटा, मैंने एक असेट खरीदा 1 नवंबर 2020 को। तो मैंने असेट परचेज कब किया? 1 नवंबर 2020 को। और उसी दिन मैंने इस असेट को इंस्टॉल भी कर दिया। तो पहले बताओ, पहली दो शर्तें तो सेटिस्फाई हो गई, परचेज भी कब किया? इस साल। इंस्टॉल भी कब किया? इस साल। और इंपॉर्टेंट है तीसरी वाली शर्त, वो असेट यूज कितने डेज के लिए हुआ। तो पहले बताओ कब इंस्टॉल करा? 1 नवंबर को। तो वो 1 नवंबर से यूज होना शुरू हो गया, तो नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जैन के 31, फेब के 28, मार्च के 31, तो ये असेट यूज हुआ 151 डेज के लिए इस साल। मतलब लेस देन 180 डेज के लिए यूज हुआ है। तो बताओ बेटा तीनों शर्तें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो कितना डेप लगेगा? 6 मंथ्स का, यानी 50% डेप लगेगा बेटा, आधा डेप लगेगा 6 मंथ्स का। बेटा समझ आइए? तो अगर तीनों शर्तें सेटिस्फाई होती है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, असेट खरीदा कब है? इस साल। इंस्टॉल कब हुआ है? इस साल। और यूज हुआ है 180 दिनों से कम के लिए इस साल, तो डेप लगेगा 6 महीनों का। तीनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो बेटा डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का। तो याद रखना, तीनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो पूरा डेप लगेगा बेटा पूरे साल का। क्लियर हुआ सबको? पक्का बेटा? इसमें पता है क्या है, सुनो, जो पहली दो कंडीशंस है ना, वैसे मतलब याद तो वो रखना, पहली दो कंडीशन क्या थी? पहली दो, खरीदा इस साल, यूज हुआ, पुट टू इंस्टॉल हुआ इस साल,
ये दो कंडीशन याद करना, याद रख लेना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना बेटा, वो तीसरी वाली है, ठीक है, जिसका मेजर यूज है। तो मुझे ना तीसरी वाली कंडीशन बताना, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, तीसरी वाली वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। मुझे बताओ बेटा, 6 महीने का डेप कब लगेगा? अगर असेट यूज हुआ है लेस देन 180 डेज के लिए, तो 180 दिनों से कम के लिए यूज हुआ है तो 6 महीने का, और अगर असेट यूज हुआ है मोर देन 180 डेज के लिए तो बेटा डेप लगेगा पूरे साल का। वैसे तो याद तीनों रखना, बट ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे बेटा? ठीक है, तो मुझे एक बार दोबारा बता दो, तीन शर्तें सेटिस्फाई होनी जरूरी है बेटा, कौन कौन सी? असेट खरीदा कब है? इस साल। इंस्टॉल कब हुआ है? इस साल। और यूज हुआ है 180 दिनों से कम के लिए। तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो 6 महीने का डेप लगेगा, मतलब 50%। एक भी अनसेटिस्फाइड तो डेप लगेगा बेटा पूरे साल का, यानी 100%। यानी अगर बेटा असेट 180 दिनों से कम के लिए यूज हुआ है तो 50%, 180 दिनों से ज्यादा के लिए यूज हुआ है 100%। क्लियर हुआ सबको बेटा? सब करके बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही करते हैं। सब मुझे बताओ, एक ब्रीफ ओवरव्यू बेटा डेप्रिसिएशन का क्लियर हुआ। कल आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे किया जाता है, ठीक है? चलो, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।